हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ विलेजर ट्रेड के बारे में जो आपके पास होने ही चाहिए, एंड ये आपको अर्ली गेम, मिड गेम और लेट गेम तीनों में मदद करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो पहले नंबर पे है अपने पास फार्मर। फार्मर के मुझे जो ट्रेड सबसे बेस्ट लगता है गोल्डन कैरेट का और मेलन टू एमरल्ड का। मेलन टू एमरल्ड और पंपकिन टू एमरल्ड से आप इजीली एमरल्ड कमा सकते हैं, लेकिन पंपकिन टू एमरल्ड गारंटीड नहीं है कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन मेलन का गारंटीड है। ऑल्सो ये आपको ब्रेड भी बेचते, तो आपको अर्ली गेम अगर फूड की जरूरत है तो ये आपका गो टू सोर्स हो सकता है। और गोल्डन कैरेट तो है ही आपके लेट गेम के लिए। अगर आप इसको जॉम्बीफाई कर ले तो आपको एक पंपकिन के आपको एक एमरल्ड देगा, एंड आपको एक मेलन से आपको एक एमरल्ड देगा जो कि बहुत चीप है, प्लस एक एमरल्ड से आपको तीन गोल्डन कैरेट देगा। ठीक है, तो जो भी मैं विलेजर बता रहा हूँ उनको आप एक से दो बार ज़ॉम्बीफाई जरूर कर लेना। ठीक है, और तो सेकंड नंबर पे आते हैं अपने पास फ्लेचर, जो कि है एक अल्टीमेट एमरल्ड मेकिंग विलेजर, क्योंकि ये चार लॉग या फिर 32 स्टिक के बदले आपको एक एमरल्ड देते जो कि डर्ट चीप है। ठीक है, एंड ये आपको अर्ली गेम पूरा का पूरा सारा सामान जो भी आपको जरूरत है वो दिला देगा। ठीक है, प्लस ये आपको एरोस भी देता है, बो भी देता है, क्रॉस बो भी देता है और इंचेंटेड बो भी देता है। हालांकि इंचेंटेड बो का इंचेंटमेंट शफल्ड है तो उसमें गारंटीड नहीं है कि आपको ये इंचेंट मिलेगा, बट देख लेना। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रिंग नहीं है बनाने के लिए वो, तो आप वो इससे ले सकते हो। और अगर आपके पास भरपूर स्ट्रिंग है कि आप उसको संभाले नहीं संभाल रहे हो तो आप इसको बेच भी सकते हो। ठीक है, देन आता है अपना टूल्स पे। टूल्स में के पास जो अच्छे ट्रेड होते हैं वो है ये लास्ट के तीन चार ट्रेड। ठीक है, ये आपको डायमंड हो भी देता है वैसे, जो कि मेरे को मिला नहीं है। ये आपको डायमंड की टूल्स देता है सारे स्वॉर्ड को छोड़ के, क्योंकि स्वॉर्ड वेपन है एक। ठीक है, और ये आपको आयरन के बदले एमरल्ड भी देता है, तो अगर आपके पास एक आयरन फार्म है तो आप इसको आयरन दे के एमरल्ड ले सकते हो। देन आता है अपने पास आर्मर। आर्मर इन सब में से सबसे बेस्ट है, उसका कारण है कि ये लास्ट के चार ट्रेड जो ये देता है, लास्ट के चार ट्रेड में ये आपको पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर ही दे देता है, जो कि 1.18 में अगर आपको डायमंड नहीं मिल रहा है तो भाई इससे लो ना, क्या दिक्कत है। प्लस ये डायमंड टू एमरल्ड देता है, जो कि कचरा ट्रेड है बिल्कुल। ठीक है, इसको जला के मार दूं मैं। देन फिफ्थ नंबर पे आता है अपना कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर सिर्फ मनी मेकिंग के लिए अच्छा है, अगर आपको मैप्स वगैरह चाहिए तो आप इससे ले सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये दो मैप देता है, एक है ओशन एक्सप्लोरर मैप और वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप। ये वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप आपको वुडलैंड मैंशन की लोकेशन बताता है और ओशन एक्सप्लोरर मैप आपको ओशन मॉन्यूमेंट की लोकेशन बताता है। प्लस ये आपको अगर एमरल्ड चाहिए तो आप ग्लास पेन बेस के एमरल्ड ले सकते हो और पेपर बेस के। अगर आपके पास एक बड़ा सा डेजर्ट है तो वहाँ से ग्लास पेन बना लो भाई, ईजी। ठीक है, और अगर आपके पास एक बड़ा सा शुगर इन फार्म है तो पेपर बेस के एमरल्ड ले लो। देन अपने पास है एक लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन मैं कहूँगा सेकंड बेस्ट है आर्मर के बाद, क्योंकि ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देता है जो कि है इंचेंटेड बुक। इसमें आपको बहुत सारे इंचेंटेड बुक मिल सकते हैं, लेकिन मेन जो रोल करते हैं वो फर्स्ट वाली करते हैं, क्योंकि बाकी उसके बाद अपने पास कोई, क्योंकि उसके आगे कोई गारंटी नहीं रहती। ठीक है, आप इससे कोई सी भी बुक निकलवा सकते हो एक्सेप्ट सोल स्पीड, जो कि आपको बेस्ट में मिलती है। ठीक है, ये आपको वो इंचेंटमेंट भी दे सकता है जो आपको इंचेंटिंग टेबल नहीं दे सकता, जैसे कि मेंडिंग और फ्रॉस्ट वॉकर। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा हो जाता है। प्लस अगर आपको ग्लास नहीं मिल रहा तो आप इससे ग्लास ले सकते हो। ठीक है, और नेम टैग तो है ही, जो कि बहुत अच्छी बात है। देन आता है अपने पास क्लैरिक। आप कहोगे क्लैरिक कैसे अच्छा होगा, मैं बताता हूँ। क्लैरिक लेता है रॉटन फ्लैश और देता है आपको एमरल्ड। अगर आपके पास ऑलरेडी एक मॉब फार्म है भाई, इससे लो ना, क्या दिक्कत है। एमरल्ड एमरल्ड की भरमार होगी आपके पास, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, प्लस या अगर आपको रेड स्टोन नहीं मिल रहा है या फिर आपको लैपिस नहीं मिल रहा है तो आप इससे ले सकते हो, और ये ग्लो स्टोन भी बेचता है। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक डेजर्ट है तो आप इसको ग्लास बोटल बेच के भी एमरल्ड ले सकते हो बाय द वे। ठीक है, और ये आपको बोटल ऑफ एंचेंटिंग भी देता है, जो कि पोर्टेबल एक्स भी, अगर आपकी इलाइट्रा बीच में टूट जाती है तो आप उससे रिपेयर कर सकते हो इजी। तो ये तो थे बेस्ट ट्रेड्स, अभी तो खत्म नहीं हुआ है, अभी बचे हैं हमारे तीन इन्फिनिट एमरल्ड की ट्रिक, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे इस विलेजर को मैंने यहाँ पे क्यों रखा था, तो वो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि इसको निकलाने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था। बाय द वे, इसको मैंने एक ही बार क्योर किया, आपको दो बार क्योर करना पड़ेगा। दो बार क्योर करने का एक एमरल्ड के बदले आपको एक बुक शेल्फ देगा, और एक बुक शेल्फ से आपको तीन बुक मिलेंगी, वो तीन बुक आपको इसको बेच के तीन बुक के तीन एमरल्ड ले सकते हो, तो सीधा ट्रिपल। ठीक है, हालांकि फिर दिक्कत ये आती है कि इसका ट्रेड जो है वो रन आउट हो जाता है बस। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आता है अपना, इससे आप ग्लास लो, दो ग्लास, दो एमरल्ड के आठ ग्लास लेना। ठीक है, आठ ग्लास में से छह ग्लास के आप ग्लास पेन बनाओगे, 16 ग्लास पेन बनेंगे। ठीक है, 16 ग्लास पेन आप कार्टोग्राफर को भेज देना, बाय द वे मैंने इसको दो बार क्योर किया। ठीक है, आप करना मत भूलना। ठीक है, ईजी एमरल्ड। ठीक है, ईजी। और तीसरी है वो भी लाइब्रेरी से आपको ग्लास लेने हैं। एक एमरल्ड में आप चार ग्लास हो गए, चार में से आप तीन की ग्लास बॉटल बनाओगे, तीन ग्लास बॉटल मिलेंगी आपको। ठीक है, और वो तीन ग्लास बॉटल आप इसको भेज दोगे, बाय द वे मैंने इसको दो बार क्योर किया। ठीक है, तो आप इसको ग्लास बॉटल भेज के आप इससे एमरल्ड ले सकते हो। ठीक है, अगर मुझे इन सबको रेट करना हो तीनों इन्फिनिट एमरल्ड ट्रिक में से, तो मैं कहूँगा कि ग्लास पेन बेचने वाली बेस्ट है। आप इससे ग्लास लो, ग्लास पेन बनाओ और इसको भेज दो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपको मार्जिन देती है। आई गेस 8x कुछ का मार्जिन है। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको पसंद नहीं होगी। पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।